Hello everyone, welcome back. हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टोटल 10 न्यूड लिपस्टिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिसमें पिंक न्यूड्स एंड ब्राउन न्यूड्स सभी है, जो इंडियन स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है। सो आई रियली होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा एंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और अगर आप नए हो चैनल पर देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मुझे हेल्प कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द चैनल को ग्रो कर पाऊँ। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिपस्टिक्स दिखाने के पहले आई लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि मैं विदाउट मेकअप ही आप लोगों को स्वाचेस दिखाऊंगी। तो अगर विदाउट मेकअप आपको अच्छा लग रहा है ये लिपस्टिक्स, और अगर आपको लगता है कि आप पे अच्छा लगेगा तो आई थिंक विथ मेकअप पे भी अच्छा लगेगा। तो मैं अभी एक एक करके आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है शाइन स्टाइल्स का एक लिपस्टिक्स। दो मैंने बताया था कि शाइन स्टाइल्स का लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, बट इनकी जो कलर रेंज है, जो शेड्स है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एंड इनकी जो ये न्यूड शेड है, दिस इज़ रियली रियली ऑसम। बट एक ही फ्लॉ ये है कि जल्दी जल्दी ड्राई हो जाता है, और आपको बहुत ही अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग दिस लिपस्टिक्स। ये न्यूड वाला तो फिर भी ठीक है, बट जो रेड कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग है, लिप्स पे लगाने के पहले ही लिपस्टिक्स ड्राई हो जाता है। सो गाइज, दिस इज द स्वॉच, एंड ये जो शेड है आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड ये शेड लाइट टू मीडियम टू डार्क सभी स्किन टोन के ऊपर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सभी लिपस्टिक्स की प्राइसेस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। एंड सब प्रोडक्ट्स के लिंक अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो इफ यू वांट। सो द नेक्स्ट लिपस्टिक इज दिस इज वेट एंड वाइल्ड कैटसूट मैट लिपस्टिक इन द शेड गिव मी मोका। अगर आप मुझे बहुत दिन से फॉलो करते हो तो यू मस्ट हैव सीन इन एनी ऑफ माई वीडियोज कि मैं इस लिपस्टिक को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये लिपस्टिक। एंड इसका जो शेड है आप देख सकते हो, ये आई थिंक लाइट टू मीडियम स्किन टोन के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, और डार्क स्किन टोन पे भी चला जाएगा, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मोस्टली लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक लिपस्टिक होने वाला है। इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, आप जब इसको अप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं लगता है कि आपने लिप्स पे कुछ अप्लाई कर रखा है। एंड ओवरऑल आई रियली रियली लव दिस लिपस्टिक। आप इसको डेली वेयर के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हो, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ये लिपस्टिक। ये जो लिपस्टिक है ये भी थोड़ा सा लाइट कवरेज देता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही अमाउंट की प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द परफेक्ट कलर। वरना अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं तो आपको पहले लिप्स को प्रेप कर लेना होगा विथ फाउंडेशन और कंसीलर, उसके बाद आप लिपस्टिक को अप्लाई कीजिए तो एकदम परफेक्ट शेड आपको मिल जाएंगे लिप्स पे। नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो है फ्रॉम द ब्रांड मिस क्लेयर। मैंने इससे पहले मिस क्लेयर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है चैनल पर, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो की। सो दिस इज द स्वॉच ऑफ दिस लिपस्टिक, एंड आप देख सकते हो कुछ हद तक वेट एंड वाइल्ड का लिपस्टिक जो शेड था उसके जैसा ही है। एंड इसको भी आप डेली वेयर के लिए यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है ये लिप्स पे, एंड एकदम क्रीमी फॉर्मूला है, ऐसा एकदम नहीं लगता है कि आपने लिपस्टिक अप्लाई कर रखा है लिप्स पे। तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी इसको बाय करने के लिए। 57 शेड के बाद मेरे पास और एक सजेशन है आप लोगों के लिए, जो है शेड नंबर 58। सो एज यू कैन सी दिस इज द शेड नंबर 58, एंड 57 से थोड़ा सा ही डार्क है ये शेड, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों शेड में। ये जो मिस क्लेयर की लिपस्टिक्स है, क्योंकि ये एकदम लाइट शेड्स है, इसके वजह से जो कवरेज है वो थोड़ा सा कम है, तो इसके वजह से आपको पहले लिप्स को प्रेप कर लेना होगा विथ कंसीलर या फिर फाउंडेशन टू गेट द परफेक्ट शेड। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट अप्लाई करना होगा। सो नेक्स्ट ब्राउन न्यूड लिपस्टिक के लिए आई हैव दिस वन। दिस इज मेबलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक, एंड दिस इज इन द शेड 07। और ये जो लिपस्टिक्स है इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। तो ये रही शेड नंबर 07, एंड ये जो शेड है आप देख सकते हो मेरी स्किन टोन से एकदम परफेक्टली मैच करता है, और जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो एकदम न्यूड हो जाता है मेरी लिप्स। सो अगर आपको
ऐसा न्यूड लिपस्टिक्स पसंद है एकदम स्किन टोन से जो मैच हो जाए तो आप इस लिपस्टिक को ट्राई करके देख सकते हो। आई एम फ्रॉम मीडियम स्किन टोन विद येलो अंडरटोन एंड मैं यूज करती हूँ मेबलिन 230 नेचुरल बफ। और अगर आप भी मेरी स्किन टोन से हो और अगर आपको एकदम परफेक्टली न्यूड शेड पहनना पसंद है देन यू कैन गो फॉर दिस लिपस्टिक्स। इसका भी फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, क्रीमी मैट फॉर्मूला आता है, 30-40 सेकेंड्स लगता है लिपस्टिक अच्छे से ड्राई हो जाने में और उसके बाद बहुत ही लाइट वेटेड है, लिप्स को क्रैक नहीं करता है और अगर आप खाना खाओगे तो मिडिल पोर्शन से लिपस्टिक रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आई हैव वन मोर ब्राउन न्यूड शेड जो कि है फ्रॉम द ब्रांड लॉरियल। दिस इज लॉरियल पैरिस रूट सिग्नेचर लिक्विड मैट लिपस्टिक एंड इट इज इन द शेड 116। इस लिपस्टिक के बारे में भी एकदम डिटेल रिव्यू और सभी शेड्स की स्वॉचेस मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एनीवे बट ये जो लिपस्टिक है इसका कंसिस्टेंसी ना वाटरी है और इसको अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही अमाउंट का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा टू बिल्ड द कलर ऑफ द लिपस्टिक एंड ऑल्सो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा लाइक 1 to 1.5 मिनट ताकि लिपस्टिक अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये रही इसका शेड एंड शेड काफी अच्छा है, एक चॉकलेटी ब्राउन न्यूड कलर है जो आई थिंक सभी स्किन टोन के ऊपर काफी अच्छा लगेगा तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो अगर आपके पास बजट हो तो, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है इस प्रोडक्ट की। अगर आपको ब्राउन न्यूड लेना है तो आप इस 6 प्रोडक्ट के अंदर से चूज कर सकते हो और अगर आपको पिंक न्यूड्स लेना है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए। सबसे पहले आई हैव मिस क्लेयर सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड 08। सो एज यू कैन सी दिस इज द स्वॉच ऑफ दिस लिपस्टिक, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक शेड है एंड ये शेड बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है और बहुत ज़्यादा न्यूडिश पे भी नहीं है, एक मिडिल सा शेड है जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट यस, ये जो शेड है ये लाइट टू मीडियम स्किन टोन पे ही अच्छा लगेगा। तो अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट लिप शेड पे जो कि है फ्रॉम द ब्रांड मेबलिन। दिस इज मेबलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड 06। एंड गाइज, ये जो शेड है ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, लाइक दिस इज द शेड ऑफ दिस लिपस्टिक। ये एक परफेक्ट पिंक न्यूड शेड है। फॉर्मूला के बारे में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है और ये जो शेड है ये आप डेली वेयर के लिए यूज करो, ऑफिस पे जाओ, कॉलेज पे जाओ, हर जगह जाओ, बहुत अच्छा लगेगा ये शेड आपके ऊपर। तो अभी मैं इसको साइड कर देती हूँ एंड नेक्स्ट आई हैव वन मोर लिपस्टिक फ्रॉम द ब्रांड मेबलिन। मेबलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक पे जो 08 शेड है वो भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छा एक पिंकिश न्यूड शेड है। एक्चुअली जो मेबलिन का जो ये सेंसेशनल लिक्विड लिपस्टिक्स है इसमें बहुत सारा न्यू शेड्स था बट मुझे यही 3-4 शेड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये रही शेड नंबर 08 जो 06 से थोड़ा सा डार्क है। तो ये जो शेड है 08 इसमें पिंक के साथ साथ थोड़ा सा कोरल शेड का भी हिंट है जो काफी अच्छा लग रहा है। तो अब आते हैं एकदम लास्ट लिपस्टिक पे जो कि है अगेन लॉरियल का रूट सिग्नेचर लिक्विड मैट लिपस्टिक, ये है इन द शेड 105। तो ये रही स्वॉच ऑफ दिस लिपस्टिक जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, आप इसको डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हो, इतना लाइट है ये कलर और आप लोग स्मोकी आइज के साथ भी इस लिप शेड को कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा ये लिप शेड आपके आई लुक को एंड ये लिपस्टिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है गाइज। और मेबलिन मिस क्लेयर और लॉरियल के ऊपर वीडियोस अपलोडेड है, वंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए देन प्लीज़ गो फॉर दोज वीडियोस, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कुछ दूसरा भी शेड्स वहाँ पे हैं, अगर आपको इन सारे शेड्स के अलावा कुछ और शेड्स पसंद आता है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू मी आप लोग इन सारे लिपस्टिक को ट्राई करके देख सकते हो, आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा जैसे कि मुझे पसंद आता है ये सारे लिपस्टिक्स। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो एंड आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको पसंद आया हो और आपको हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप
ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. और अगर आप नए हो चैनल पर देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और मुझे हेल्प कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द चैनल को ग्रो कर पाऊँ. और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन है, प्लीज आप उसको भी क्लिक कर देना ताकि आपके पास मेरे सब नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द. तब तक के लिए बाय बाय.